सभी को पता है कि अब फिर दोबारा कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं, तो आप सबको अपना ध्यान रखना चाहिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना चाहिए और मास्क जरूर पहनना चाहिए, तभी हम कोरोना के ऊपर काबू पा सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में जो मैं जानकारी आपको देने जा रही हूँ वो है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कनाडा से इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए क्या अपडेशन सामने आई है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। कनाडा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनको याद दिलवाया जा रहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो जिनको ऑनलाइन पढ़ाई की सहूलत मिली है उसको उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। पहले ये था कि 31 दिसंबर 2021 तक बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते थे और वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेने के लिए एलिजिबल थे, लेकिन अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है, जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं। मार्च 2020 से लेकर अगस्त 2022 तक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर इस समय ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो वो आगे चलकर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेने के लिए एलिजिबल होंगे। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेने में उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की जो योग्यता है वो कोविड-19 से पहले ये थी कि अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई करता है तो वो ये योग्यता नहीं रखता था, लेकिन उसके बाद इसमें काफी ज्यादा तब्दीलियां की गई इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसमें ये जो कोविड-19 की महामारी के दौरान जो तब्दीलियां की गई हैं उसमें ये फैसला लिया गया था। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कनाडा अभी नहीं पहुंच सके, उनको वीजा नहीं मिला और वो अपने ही देश में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, बेशक वो 100% ऑनलाइन क्लासेस लगाए फिर भी वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेने के लिए एलिजिबल होंगे। ये अपडेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। सो इसके रिगार्डिंग ज्यादा डिटेल में जानकारी आप कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट www.cic.gc.ca पे जाके ले सकते हैं। अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो पीछे दिए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं और किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। और नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचे जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं और कनाडा से बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं। थैंक यू।